अभी 15 दिन पहले एक दिल्ली से एक टीम आई थी कुछ निरीक्षण करने के लिए। अपने यहाँ जो वैगन में लोडिंग चल रहा है ना, वो लोडिंग का चेकिंग करने के लिए उन लोग आए थे। तो उन लोग के चेकिंग के दौरान वो 2-3 चीज़ें कुछ कमियां हम लोग की पाई गई है, उसका एक उन्होंने वहाँ से दिल्ली से एक लेटर आया, उसमें जो है जो मेन चीज़ जो आया है, जो पेलोडर ऑपरेटर इधर कितने हैं, पेलोडर ऑपरेटर एक है, अच्छा, और क्योंकि अपने यहाँ एक पेलोडर ऑपरेटर एक मशीन में ठीक है, एक्सकेवेटर ऑपरेटर कितने हैं, एक्सकेवेटर ऑपरेटर। देखिए भाई, आप लोग के लिए खास करके उसमें एक लेटर में है कि भाई जो हम लोग के यहाँ भी WCL में भी, आप लोग के यहाँ भी जो एक्सकेवेटर ऑपरेटर है, पेलोडर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है, इन लोग जो है सिर्फ हैवी लाइसेंस रहने से काम चलता था, लेकिन अभी जो चिट्ठी आया है वो बोलता है कि सिर्फ हैवी लाइसेंस नहीं चाहिए, हाइड्रोलिक मशीन का एक लाइसेंस आता है जो पेलोडर ऑपरेटर, एक्सकेवेटर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर के पास में होना जरूरी है। तो ये चीज़ हम लोग को भी नहीं मालूम था, वो जब तक लेटर नहीं आया हम लोग भी नहीं जानते थे, अच्छे बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं जानते थे, लेकिन अभी हम लोग को पता चला कि भाई अलग लाइसेंस होता है, RTO के द्वारा इशू होता है। तो वैसा वाला लाइसेंस कितने लोग के पास में है, ठीक है, काफ़ी लोग के पास में, जो लोग के पास में नहीं है, जो लोग लिए हैं उनसे थोड़ा सा प्रोसेस पूछ लो और आप लोग भी अप्लाई कर दो। अभी सिर्फ लेटर आया है कि भाई ये चीज़ें कमी पाई गई, कल के दिन 2 महीने या 3 महीने के बाद में एक लेटर आ जाएगा कि भाई ये लाइसेंस के बगैर आदमी को आप ये मशीन चला नहीं सकते, तब आ जाएंगे आपका नौकरी पे खतरा। तो इसीलिए पहले से ही थोड़ा तैयारी करके रख लो, जो लोग के पास में वो लाइसेंस है बहुत अच्छी बात है, उनसे पूछ लो क्या तरीका है वो लाइसेंस निकालने का, ठीक है। ये चीज़ ये हो गया, और जो 84 पॉइंट का SOP है उसमें क्या क्या चीज़ें है, थोड़ा सा 8-10 चीज़ें बता दीजिए फटाफट, एक एक आदमी करके, क्या है उसमें SOP में सबसे पहला चीज़ क्या है, काम चालू करना, हाजिरी लगा के जाना, बढ़िया, जब आते हैं वापस तो आउट कराना, ये बहुत ही बढ़िया। और इसके साथ में और हेलमेट जूता फ्लोरोसेंट जैकेट वो पहन के ड्यूटी में जाना है, ठीक है। और फटाफट बोलिए, अपना व्हीकल स्टार्ट करने से पहले चारों तरफ देखना है, खतरा तो नहीं है, ठीक है, उसके बाद में और मार्किंग को स्टार्ट करना है, ठीक है, अब उसको आगे बढ़ाने से पहले चारों तरफ देख लेना है, खतरा तो नहीं है, ठीक है। उसमें Take 5 बोल के है, वो Take 5 में क्या क्या चीजें बता सकते क्या, Take 5 में क्या क्या चीज है, Take 5 क्या चीज है, और उसमें क्या क्या चीजें Take 5 में मतलब क्या है बता सकते क्या, हाँ बताइए। गाड़ी खड़ी करने के लिए अगर बाइक में तो पहले सबसे पहले आजू-बाजू आधार कार्ड देख लें, हाँ ठीक बढ़िया, हाँ उसके बाद में कोई खतरा तो नहीं, अगर खतरे को आकलन करना है बहुत सुंदर, खतरा है तो सुपरवाइजर को बताना है, ठीक है बढ़िया, फिर वो खतरे को सुपरवाइजर ठीक करने के बाद फिर अपना काम चालू करना, उसके बाद में भी नजर रखना, ठीक है ना, ये बढ़िया है, इनके लिए ताली बजना चाहिए, बहुत बढ़िया होगा। तो उसके बाद में और क्या क्या चीज़ें उसमें, नशा करने के बारे में कुछ है क्या, नशा करने में और नींद के बारे में, नींद पूरा गया है, दवाइयों के बारे में कुछ है क्या उधर, डॉक्टर ने दवाई बताई है वो लेके ही जाना, लेके जाना, और चश्मे के बारे में, इसको चश्मा लगाया वो चश्मा लगा के, ठीक है बढ़िया। तो ये चीज़ें हैं, ये जो बोलते हैं इसको सामूहिक जो है ना पिट टॉक बोलते हैं, ये जो है याद दहानी, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहता है ना भाई, रोज काम करते करते आदमी जो है ना बड़ा ईजी ले लेता है, तो ये थोड़ा बोलने से आपको जो है ना और एक बार आपको याद हो जाता है। हर गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम होता है, आग बुझाने का। अपने यहाँ जो छोटा 2 kg का है सबके पास में, तो वो जो है आग जो है ना तुरंत मतलब नुकसान, बड़ा नुकसान होने से बचने के लिए वो आपको दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले क्या देखना चाहिए, हरे पे है कि नहीं, हरे पे रहने से ओके है वो, अगर जो दोनों तरफ जो लाल है, दोनों तरफ लाल रहने से अपने कोई काम का नहीं है, अगर जो 0 के तरफ में लाल है, लाल के तरफ में मतलब खाली है, दूसरे तरफ में मतलब भरा हुआ है लेकिन एक्सपायरी हो गया है, एक्सपायरी दवाई अपन खाते हैं क्या, नहीं खाते है, तो इसलिए वो एक्सपायर चीज़ को अपन इस्तेमाल करना नहीं है। अगर जो आपके इंस्पेक्शन जो करते हैं आप लोग शिप चालू होने के पहले, जो आप जो गाड़ी को पूरा देख के चेक करके जो ऊपर में कैबिन में जब चढ़ते हैं, तो कैबिन में जो डिस्प्ले सब देखने के बाद में
आप एक आदत अपनी बना लीजिए, एक मिनट के लिए थोड़ा सा फायर एक्सटिंग्विशर को भी थोड़ा घुमा के देख लो हरे पे है कि नहीं। हरे पे नहीं है तो तुरंत जो मेंटेनेंस वाले हैं उनको, या इधर जब ड्यूटी खत्म होने के बाद में आएंगे इधर वर्कशॉप के जो आपके इंचार्ज है नरेंद्र खटरे जी, उनको खबर करिए कि ये नंबर गाड़ी में जो एक्सटिंग्विशर रखा है उसका लाल पे काटा उसको बदलवा दीजिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, खुद भी सेफली रहिए। अभी बारिश के दिन है, गाड़ी में चढ़ते उड़ते समय जूते होते हैं का में कीचड़ वीचड़ लगा है तो थोड़ा ध्यान से चढ़िए ऊपर में, क्योंकि वो जो पायदान है उसमें अगर जो पहले से ही दूसरा ऑपरेटर अगर जो उतरते समय कीचड़ लगा है या आप आपके जूते में खुद कीचड़ लगा है चढ़ते समय पैर वैर स्लिप होता है बेकार का चोट घाव लग सकता है, वो जो है ना मतलब नहीं होने वाली चीज़ जो है ना घटना में बदल जाता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। और जब गाड़ी से उतर के आते हैं तो पैर वैर स्लिप नहीं होना चाहिए, मतलब ऑल इंडिया का अभी क्या उद्देश्य है जीरो हार्म, मतलब खरोंच तक आना नहीं चाहिए आदमी को, तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें जो पैर स्लिप हो गया आदमी गिर गया हड्डी टूट गई बेकार का वो सीरियस एक्सीडेंट में चला जाता है, तो इसीलिए जो है थोड़ा पैर चलते समय रोड क्रॉस करते समय थोड़ा ध्यान से चलिए पूरा, और गाड़ी पे चढ़ते समय उतरते समय तीन जगह पे आपको पकड़ रहना चाहिए तभी वो चौथा जो है ना पैर को लूज करिए, जब आप चढ़ते समय दो हाथ और एक पैर बढ़िया टाइट होने के बाद में तब दूसरा पैर को आप लूज करिए, उतरते समय भी वही, ऐसा नहीं कि भाई एक पैर एक हाथ है मैं जंप कर दूंगा ये करूंगा बोल के उधर एक्सपेरिमेंट मत करिए, ठीक है। सेफली रहिए, सेफ काम करिए।